जानू जानवी आ गई। अरे ये किधर जानू है तुम्हारी, ये तो किंजल है। अरे किंजल नहीं नहीं मम्मी। और तुम लोग क्या है, ये किंजल को साड़ी पहना दी, जानवी को पहनाने की थी। अरे नहीं नहीं मम्मी, ये जानवी है, किंजल बीच में कहाँ से आ गई, सेल्फी। अरे गंडा, धीरे धीरे धीरे। अरे मेरे दिकरे, ये ना किंजल है, जानवी नहीं है। मम्मी आपको क्या हो गया है, आपकी बेटी है यही जानवी है। अरे तुम लोग को इसको समझाओ, ये सब झूठ समझ रहा है। आंटी जी, शोधन जी सच बोल रहे हैं। देखा मम्मी जी, आप मजाक कर रही थी ना। अरे मजाक तो मेरे साथ सब लोग मिलकर कर रहे हैं। क्या बोल रही है तू है? देखो क्या बोल रही है। आंटी जी हम मजाक नहीं कर रहे है? सच्चाई यही है कि किंजल ही शोधन की जान भी है। क्या जी? जानवी के कहने पर किंजल शोधन से मिलती रही जानवी बनकर, हाय हाय। और शोधन भी उससे जानवी समझकर ही मिलता रहा, इसीलिए शोधन की जानवी किंजल है। एक्चुअली आंटी, जानवी शादी नहीं करना चाहती, और आप लोगों के कहने पर उसने किंजल को जानवी बनाकर शोधन से मिला दिया, और इस तरह से झूठ का सिलसिला ऐसा चला कि रुका ही नहीं, एक झूठ फिर दूसरा झूठ। और वैसे भी आप लोग तो जानते हैं ना कि जानवी को काम के सिवाय कुछ नहीं सोचता। जानवी तू कुछ बोलेगी अब? सॉरी पापा, सॉरी मम्मी, मुझे पता है आप लोग मुझसे नाराज हैं, बहुत गुस्सा है, और आप लोगों का गुस्सा करना जायज भी है, लेकिन बार बार शादी की बात आती है, मैं शादी के लिए अभी बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। आप लोग क्यों नहीं ये बात समझते? और देखो मजाक मजाक में मुझसे एक अच्छा काम भी हो गया, दो दिल मिल गए, शोधन और किंजल, यहाँ इनकी जोड़ी बनी और मैं बन गई इनकी क्यूपिड एंड मैच मेकर। शोधन तो वैसे भी मुझे पसंद नहीं करता, राइट शोधन? टेल मी, अगर तुम्हें ये पता चलता कि मैं जानवी हूं तो क्या तुम मुझसे कभी भी शादी करने को राजी होते? शादी छोड़ो, तुम मुझसे दूसरी बार भी मिलने को आते? मेरी अकल पर पत्थर नहीं पड़े जो मैं तुमसे शादी करूंगा। पसंद तो तुम मुझे पहले दिन से ही नहीं थी, पर आज तो मुझे तुमसे और भी नफरत हो गई। तुम अपने आप को समझते क्या हो, गुज्जू मैट्रिमोनी डॉट कॉम जो रिश्ते बनाता है? तुम मुझसे नफरत कर लो शोधन, लेकिन ये भी तो सच है ना कि तुम किंजल से प्यार करते हो और तुम उसी से शादी भी करना चाहते हो। तुम सभी काम करती हो ना, तुम्हारे भी अपने सपने हैं जिसे पूरा करने की तुम कोशिश करते हो, होने चाहिए, मैं मानता हूं सपने होने चाहिए, सपने देखने चाहिए, पर काम और परिवार, बेटा मेरा मतलब है प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ बैलेंस करना, यही तो जिंदगी का नाम है। पर ना पता चला कि उम्र भर बस काम ही करते रहे और जिंदगी तो जी ही नहीं। अच्छा बेटा मुझे एक बात बताओ, तुमने सभी ने शादी की है तो क्या तुम सब खुश नहीं हो? अंकल जी हम बहुत खुश हैं, और आप और आंटी जी जो कह रहे हैं वो भी सही है अपने जगह पर, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि ये शादी जैसी चीज है, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। अब मेरे को तू ये बता है? इतना सारा नाटक करने की क्या जरूरत थी, और सब लोगों को जाकर बताने की भी क्या जरूरत थी? अभी ना ही हम हंसमुख पाए और ना ही समाज के किसी लोगों को मुंह दिखाने के काबिल रहे। मम्मा तो फिर मैं और क्या करती, आप लोग दोनों दिन रात सुबह शाम एक ही रट लगाए रहते हैं, शादी शादी शादी, किसी भी टॉम डिक एंड हैरी को मेरे ऑफिस भेज देते हो। जाना मेरी वहां बेटी है, उससे मिला, उससे शादी कर ले। जब मैंने कह दिया
आपकी बेटी जानवी ने कह दिया कि उसे शादी नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है, एंड ऑफ डिस्कशन, वही हो जाना चाहिए। बोलो, सामलो। देखो जानू बेटा, बचपन से लेकर आज तक हम दोनों ने तुम्हें एक बेटे की तरह पाला है, और आज मैं श्रीनाथ जी के सामने ये कहने के लिए तैयार कि तुम्हारी जगह आज हमारा बेटा भी होता ना, तुम उसे भी शादी के लिए कहते जैसे तुम्हें आज कहते हैं। तुम्हारी एम्बिशन, तुम्हारा काम, तुम्हारा गोल, वो अपनी जगह है, पर बेटा शादी की भी एक उम्र होती है। देखो हम जिस समाज में रहते हैं ना, उसके कुछ नियम होते हैं, और ये शादी समाज का सबसे जरूरी नियम है। और हम तो ये चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हो जाए, फिर तुम अमेरिका चली जाओ और वहां जाकर बहुत काम करो, बहुत तरक्की करो। ये कौन वो केविन, केविन जैसे लड़के जो ऑफिस में और किसी को आगे ही आने नहीं देते, ऐसे लोग तो तुम्हें वहां नहीं मिलेंगे ना। एकदम सच्ची बात करी तुम्हें। अरे देशो, 10 बज गए नहीं, कुछ उठा नहीं? अरे हाँ जी दीदी, आज छुट्टी है ना, तो मन नहीं ना जगाया। थैंक यू, पर टाइम तो देख तू, उठेगा नहीं ना तो रात भर नहीं सोएगा, शैतानी करेगा, जगा रहेगा। उठ जा मेरा राजा बेटा। अरे उसका तो बदन तप रहा है। देशो देखना, एक मिनट, बुखार तो नहीं है? अरे दीदी, इसका तो सर तप रहा है। मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। आप घबराओ मत ना दीदी जी, मैं अभी पानी की पट्टी कर देती हूँ, उससे ठीक हो जाएंगे। मौसम का बुखार है ना, तान्या दीदी के नुस्खों से ठीक हो जाएंगे शाम तक ये। पक्का ना देशो? हाँ हाँ दीदी, मेरे भी 5 बच्चे हैं। ठीक ना हुए तो आप सामने बुला लेना डॉक्टर ने। अच्छा मैं लेके आऊँ अभी पट्टी। हाँ ठीक है। पापा पापा आप कहाँ हो? पापा। बेटा पापा आ जाएंगे, आप ठीक हो जाओ जल्दी से। हाँ अभी सो जाओ। मैंने बोला था कि पार्टी खत्म होने के बाद मैं सब कुछ सच सच बता दूंगी, लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो पता नहीं क्या आग लगी हुई थी बताने की। सॉरी गाइज, आई नो तुम लोग मुझसे बहुत अपसेट हो। अच्छा किया तुम लोगों ने जो सबको सच सच बता दिया, वरना फालतू में ये बात इलोंगेट होती। आई एम रियली सॉरी, तुम लोग मुझसे अपसेट हो ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। एक बार मैसेज तक नहीं किया तुम लोगों ने, बात करो मुझसे एटलीस्ट। आई एम रियली सॉरी। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बस आगे से गुस्सा कंट्रोल में। माया से ब्रीद इन ब्रीद आउट सीख ले। देव, कोई खाना छीन कर नहीं ले जाएगा, तेरे पास ही रखा है, आराम से चबा चबा कर खा। खाने को वैसे भी 32 बार चबाना चाहिए। एक्चुअली मम्मा क्या है, मैं लेट हो गया, मुझे अभी के अभी निकलना है, मेरी मीटिंग है भूषण जी के साथ में, तो अगर मैं लेट हो गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तानिया एक काम करो ना, फटाफट टिफिन ला दो मुझे। प्लीज मुझे मिल लेने दीजिए मेरे बच्चे से। ठीक है, 2 मिनट के लिए। हानिया दीदी, आप तो बड़ी स्मार्ट निकली, बच्चा पैदा मैंने किया और उसका मुंह आपने पहले देख लिया। अब तो बस मुझसे रुका ही नहीं जा रहा है, बस मैं उसको घर लेके जाना चाहती हूँ। मेरी कुड़ी और उसका बच्चा मेरे साथ जाएंगे, मेरे कार। बच्चा हमारे खानदान का चिराग है और हमारे घर ही जाएगा। आप चाहे तो सोना को लेकर जा सकती है।